अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग आपसे ये गलत बयानी कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो ऐलान किया था 12,000 रुपये वाले, वो पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस तरह का कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि 12,000 रुपये हमें मिलना शुरू हो गए हैं। अभी तक किसी बंदे को 12,000 रुपये नहीं मिल सके। तो जो मिल रहे हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से पैसे मिल रहे हैं, कौन से कोड, यानी 80-70 वाले कोड पे जिन्होंने मैसेज किया था या रजिस्ट्रेशन की थी ऐप के ज़रिए, इंसाफ इमदाद ऐप के ज़रिए, या फिर जो 81-71 वाला कोड है वो वाले पैसे मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो को आपने कम्प्लीट वॉच करना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी कि कौन से आपको पैसे मिलना शुरू हो गए, और ध्यान रहे कि आपके अकाउंट में आने वाले हैं, कौन से पैसे आ गए हैं तो आप चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आप बताऊंगा कि आप कैसे, आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले कह रहे थे कि आपके जो पैसे हैं वो दुकानें इजी पैसे शॉप्स और जो जैस के शॉप्स, ये बंद है, तो जिसकी वजह से आपके पैसे जो हैं वो बैंक में आपको चेक के ज़रिए मिलेंगे। तो वो फ्रेंड्स, वो डिटेल जो है वो गलत साबित हुई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बैंक खुले थे, लेकिन अब ये है कि आपके पास अगर चेक के ज़रिए आएँ तो वो चेक आपको नहीं भी मिल सकता। कोई ऐसी वजह बन सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से भी रश बहुत हो जाना था, जहाँ पे ये चेक आपको मिलने थे असिस्टेंट कमिश्नर के पास से, ये आपको चेक मिलने थे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा था। तो ये पैसे आपके ही अकाउंट में मिल जाएंगे, आपको जैस कैश इजी पैसे में, या अगर आपका जैस कैश इजी पैसे अकाउंट नहीं है तो आपको मिलेंगे आपके आईडी कार्ड नंबर पर, जो आपका अंगूठा लगेगा, आपके अंगूठे लगने के बाद आपको वो पैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कौन से पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जो ट्वीट है, वो देखते हैं क्या ट्वीट है, उसने ट्वीट में क्या कहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम अफराद को 24 घंटे के अंदर शफाफ तरीके से 1.5 अरब रुपए इनके मोबाइल फ़ोन नंबर और शनाख्त कार्ड नंबर पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ये रकम किसी भी मोबाइल फ़ोन शॉप से निकलवा सकते हैं। यार, ये पैसे आपको या तो आपके मोबाइल नंबर जैस कैश इजी पैसे मिलेंगे, या आपको ये शनाख्ती कार्ड में मिलेंगे, और आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ये आपको पैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको ये कौन से पैसे मिलने हैं, 4,000 रुपये वाले या 12,000 रुपये वाले। इसके बाद मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया वो ट्वीट में आपको दिखा देता हूँ। वो ट्वीट क्या है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो ट्वीट किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पर चीफ मिनिस्टर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 1,70,000 मुश्तक अफराद को माली इमदाद पहुँचा दी गई है। यहाँ पर उन्होंने पिक्चर भी सेंड की है। मैं आपको सारी डिटेल में इस वीडियो में इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकूँ, इसके बारे में सही तरीके से आपको गाइड कर सकूँ, क्योंकि बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमें 12,000 रुपये मिले हैं, 12,000 रुपये मिलना शुरू हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। देखें, चीफ मिनिस्टर इमदाद यानी कि जो हुकूमत की तरफ से पैसे थे, जो वो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम जो वहाँ पर लोग बैठे हैं वो उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। कितने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पंजाब हुकूमत ने 1,70,000 ज़कात मुस्तहिकीन को माली इमदाद की मदद 1,46,47 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफ़र कर दिया। देखें, यहाँ पर 1,46,47,00,000 रुपए की रकम ट्रांसफ़र हो चुकी है। वो ट्रांसफ़र कहाँ हुई है, अभी इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 24 घंटे के अंदर मुस्तक, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का, उसके पास पहुंच गई है वो 24 घंटे के अंदर, जो वहाँ पे अमला बैठा है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है इतना अमला है तो टाइम लगेगा, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। 1,70,000 ज़कात मुस्तहिकीन लोग हैं जिनको ट्रांसफ़र होनी है वो पेमेंट। और नीचे यहाँ पर आप पढ़ें कि चीफ मिनिस्टर इंसाफ प्रोग्राम के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपये मुख्तस किए, 25,00,000 खानदानों की माली मामलत की। ये टोटल है, यानी कि जो 12,000 रुपये वाला और 4,000 जो है, ये तमाम डिटेल यहाँ पर है। और नीचे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वो वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा है कि हम दावे नहीं करते, अमली इकदाम करके रिलीफ देते हैं दुखी इंसानियत को, खिदमत की शोबाजी से नहीं, बल्कि शोबाजी नहीं करते हम, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आखिरी बात फ्रेंड्स ये थी कि हमें ये पैसे मिले कौन से हैं, यानी कि हमें 81-71 वाले मिले हैं, या फिर हमें 80-70 वाले मिले हैं, या मोबाइल रजिस्ट्रेशन जो इंसाफ इमदाद की तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने आपको पहले ही पता चल गया होगा ये देख के, यहाँ पर जिन्होंने 80-70 पर मैसेज किया था इमदाद लिख कर,
और अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के, अपना नंबर और अपना नेम लिख के जो सेंड किया था 8070 पर, वो पेमेंट आपको मिल रही है। और जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत, जो आपने यानी कि इंसाफ इमदाद ऐप के ज़रिए आपने रजिस्ट्रेशन की थी, इमदाद शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और इमदाद के हकदार ख़ानदान का सरबरा अपना नेम जो लिख के आपने इंसाफ इमदाद ऐप पर सेंड किया था, और आपके पास एक मैसेज आया था कि आपको मौसूल हो जाएगा, यानी कि आपको मैसेज मौसूल, ये पेमेंट उन लोगों को मिली है। अभी तक 12,000 रुपये वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई अभी तक 12,000 रुपये किसी बंदे को नहीं मिले, ना ही शुरू हुए हैं। अभी इमरान खान का जो पैकेज था वो अभी तक नहीं शुरू हुआ, जो वज़ीर आला पंजाब का था वो शुरू हो चुका है, और 24 घंटे के अंदर अंदर सब लोगों की पेमेंट कर दी जाएगी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और अब काफ़ी लोगों की पेमेंट आ भी चुकी है और काफ़ी लोगों की आ रही है, तो आप सब लोगों को पता अमला है यार, वो भी मेहनत करते हैं बेचारे, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो वो एक एक करके सेंड कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे सेंड नहीं हो सकते, जिसकी वजह से कुछ टाइम लगेगा। तो आप सब जिन्होंने किया हुआ है, जिन जो अहल हैं, जिनके पास मैसेज आया 8070 पर, जिन्होंने मैसेज करके, जिनके पास अहल आया है, तो उनको पेमेंट सेंड हो रही है, आप टेंशन ना ले, आपके पास आज पेमेंट आ जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये इनके ट्वीट थे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया और उस्मान बुज़दार ने किया है, ये उनके ट्वीट थे जिन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जो थे मिनिस्टर है यानी कि चीफ मिनिस्टर इमदाद इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के, उन्होंने पेमेंट शुरू कर दिया, जो अमला वहाँ पर बैठा उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल यूट्यूब चैनल टेक्निकल मून को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।